आदमी पार्टी ने डीडीसीए में हुए करप्शन को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये थे कि कायाकल्प तो स्टेडियम का किया जा रहा था, लेकिन मालामाल तत्कालीन डीडीसीए के अध्यक्ष अरुण जेटली और उनके करीबी हो रहे थे। आम आदमी पार्टी आरोपों का वो बही खाता लेकर सामने आई थी जिसमें दर्ज हर आंकड़ों और आरोपों के लपेटे में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। घोटालों का यह हिसाब किताब उस वक्त का था जब अरुण जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे। आरोप ये लगाए गए कि स्टेडियम को 24 करोड़ में तैयार होना था, लेकिन भुगतान 114 करोड़ का किया गया। डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? आरोप 24 और 114 करोड़ तक आकर ही खत्म नहीं हो गए। कहा यह गया कि स्टेडियम के नाम पर भ्रष्टाचार की वो हवेली तैयार की गई थी जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर अरुण जेटली का बसेरा था, जहां से ये इशारा किया जाता था कि किस तरह से डीडीसीए के खजाने से पैसा निकालकर अपने खजाने तक पहुंचाना है। डीडीसीए की एग्जीक्यूटिव कमिटी के कुछ लोग हैं, कुछ मेंबर्स हैं, वे लोग डीडीसीए से रेम्यूनरेशन या किसी प्रकार का पैसा नहीं ले सकते, ऐसा उनके बायलॉज कहते हैं। तो जब एक मेंबर डीडीसीए के अपियर होते हैं, डीडीसीए के लिए किसी कोर्ट में किसी प्रकार की सर्विसेज देते हैं, तो वह खुद अपने नाम में ना बिलिंग कर अपने बेटे के नाम पे बिलिंग कर देते हैं और सारा पैसा ले लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मिस्टर जे एस बख्शी एक एसोसिएशन डीडीसीए के लिए अपियर होते हैं और अपने बेटे के थ्रू बिलिंग कराकर डीडीसीए से पैसा निकाल लेते हैं। आपके आरोप बड़े थे। मोदी सरकार के उस खजांची को लपेटे में लिया गया था जिनका नाम अरुण जेटली है। राजनीतिक जगत में आपकी तरफ से लगाए गए ये आरोप सीबीआई की उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी जिसमें केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापेमारी की गई थी। जी ने शुरुआत तो की थी पहले राजेंद्र कुमार को डिफेंड करने के लिए, तो जब थोड़ा सा लगा कि इसमें बदनामी हो रही है कि ऐसे आदमी को क्यों डिफेंड कर रहे हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले महायोद्धा, तो उन्होंने फिर इसका ट्रैक बदला और ट्रैक बदलकर अरुण जेटली पर वो आए हैं। दिग्विजय सिंह जो सवाल उठा रहे हैं उसी सवाल पर बीजेपी अपनी राय जाहिर कर रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो तथ्यहीन है। डीडीसीए का को आरोप लगाना तो पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और केवल इशू को भटकाने की एक टैक्टिस है। जब आप रंगे हाथों किसी चीज में पकड़े जाते हैं, जब आपको बोलने के लिए कुछ छूटता नहीं और जब आप ये कहते हैं कि सीबीआई को हमसे पूछ करके करना चाहिए था, तो उस समय तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी भूल गए, उस समय जो उन्होंने खुद कहा था उसको भी भूल गए, तो इसलिए अब उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं। जिस चर्चा की शुरुआत दिल्ली सचिवालय से हुई थी वो अब डीडीसीए के दफ्तर और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री तक पहुंच चुकी है। आरोपों और सफाई के इस सफर में अभी कई और मोड़ आएंगे क्योंकि सियासत का ये उसूल पुराना है, खुद को दागदार होने से बचाना है तो दाग पड़ोसी के दामन पर भी लगाए जाएं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं यूपीए सरकार में उसकी जांच हो चुकी है और उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। कि उनकी रिपोर्ट जो यूपीए सरकार में थी वो पढ़ ली जाए। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कुछ टेक्निकल वायलेशंस हैं प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी, कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है और वो सारी कंपाउंडेबल थी और उन लोगों द्वारा जिन्होंने जिनसे वो शायद कमी रही होगी। और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था उसके कार्यकाल में यह जांच थी और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई। वित्त मंत्री पर लगे आरोपों पर केंद्र सरकार ने अरुण जेटली का बचाव किया। डीडीसीए में अनियमितता पर आप और कांग्रेस के आरोपों को मुद्दे से भटकाने की कार्रवाई बताते हुए सरकार ने जेपीसी बनाए जाने की मांग को खारिज कर दिया।
सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बचाव किया है, साथ ही जेपीसी की मांग जो कांग्रेस ने की थी उसको भी खारिज कर दिया है और इस पूरे मामले में आप पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों को भी यहां खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली का भरपूर बचाव किया है। एसोसिएशन का और पार्लियामेंट का क्या संबंध है मुझे समझ में नहीं आया रहे। कुछ विषय है तो विषय वहाँ दिल्ली विधानसभा वो भी चर्चा करना है तो चर्चा करने, कुछ ना कुछ बहाना बना के किसी ये मंत्री का वो मंत्री का इस्तीफा देना ये तो इसमें कोई मतलब नहीं है और कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली के सीएमओ दफ्तर में सीबीआई छापेमारी के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच नया टकराव शुरू हुआ तो आप पार्टी आरोपों का नया पुलंदा लेकर सामने आ गए और निशाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और ये आरोप भी कि कई फर्जी कंपनियां बनाई गई जिसके जरिए डीडीसीए में लेन देन किया गया और उसका ब्यौरा देते हुए पेपर भी लहराए गए और इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई, लेकिन बचाव में उतरे केंद्र के मंत्रियों ने इसको खारिज कर दिया ये कहते हुए कि कथित अनियमितताओं के आरोप राजनीति से प्रेरित करके लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो लड़ाई यहाँ पर दिखाई देती है, सीबीआई छापेमारी हुई उसमें यहाँ पर जवाब देने के बजाय अपने अधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाय अब आप पार्टी सरकार आरोप लगा रही है कथित तौर पर और इसको खारिज किया जाता है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी जेपीसी बनाने की मांग की और तब तक अपना पद छोड़े अरुण जेटली ये मांग करते हुए जेपीसी का गठन किया जाए ये तर्क दिया गया, लेकिन इसको भी सरकार ने खारिज कर दिया। हम तो इसके पक्ष में हैं कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए और केजरीवाल जी को कमीशन बिठाना चाहिए। जेपीसी की जो मांग है कांग्रेस की वो बिल्कुल सही है और वो जेपीसी का अध्यक्ष जो है अगर बहुमत से के हिसाब से बनना चाहिए तो कीर्ति आजाद साहब को उसका अध्यक्ष बना देना चाहिए। दरअसल सरकार का तर्क है कि ये पूरा टकराव सीबीआई छापेमारी से जुड़ा है और दूसरी तरफ नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस इसमें बदले की सियासत कर रही है, यानी अब तक बदले की सियासत का आरोप सरकार पर लग रहा था लेकिन इस पूरे मामले के बाद पासा पलटा हुआ लगता है और जहां आप पार्टी और कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर दिखती हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे के बहाने कांग्रेस यहां आप पार्टी से भी सवाल पूछ रही है ये कहते हुए कि दरअसल उसने फाइल को क्यों दबाए रखा और कार्रवाई के लिए वो सीधे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती, पेपर लहराकर क्या सियासी दबाव वो बनाना चाहते हैं ये साफ किया जाए। यानी कांग्रेस दो तरफा लड़ाई लड़ना चाहती है, एक तरफ केंद्र सरकार से तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।